पन्ने पे लिखा है समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। दूसरे के ऊपर आवाज उठाने से पहले बहन जी को खुद सोचना चाहिए कि आपका साथ लोग क्यों छोड़ रहे हैं। आज अगर जब से मैं बसपा छोड़ा हूं 2002 से, तब से अगर मैं देखूं तो शायद एक बड़ी रैली करने भरक नेता यहां से छोड़ के चले गए। आज एक भी चेहरा प्रदेश में दिखाने लायक बसपा के पास नहीं है कि ये चेहरा हमारे पास है। बाबा साहब ने ये बात जब समझाई या लिखा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया भी कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। चार बार सत्ता बसपा की रही है, नाई का, गुण का, पाल का, प्रजापति का, बंजारा का, बहेलिया का, यारक का, अर्गबंसी का, खंगार का, ये भी तो इसी प्रदेश में देश में हैं। तो आप चार बार सीएम रही हैं, कभी अर्कबंसी के विषय में आपने सोचा, कभी यारक खंगार के विषय में सोचा? तो कहना बहुत आसान है। क्या लगता है कि बाबा साहब को बीएसपी ये सोच रहे हैं कि सब उनका राइट है? क्या है? देखिए, बाबा साहब एक महामानव है। दुनिया में सबसे ज्यादा विद्वान, बाबा साहब जैसा विद्वान दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ न होगा। तो बाबा साहब के विद्वत्ता का इस्तेमाल कोई रजिस्ट्री नहीं है बसपा के नाम से। उनके ज्ञान को कोई भी व्यक्ति पढ़ करके उसको फैला सकता है। और विद्वान व्यक्ति वही होता है जो अपने विद्वत्ता को बांटे। उनका कहना है कि उनके जो वोटर हैं, दलित वोटर थे जिसके लिए उन्होंने किया, जो बाबा साहब के थे, वो इंटैक्ट हैं, 2022 में सरकार बनाएंगे। देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपना अपना भरोसा है कि हमको वोट मिलेगा। लेकिन क्या वजह है कि जनता वोट नहीं दे रही है? वजह भी तो ढूंढना चाहिए। लोगों को पार्टी से निष्कासन हो, चाहे लोग छोड़ रहे हों, वजह क्या है इस पर भी तो गहराई से सोचना चाहिए। नेतृत्व को इसकी गहन अध्ययन करना चाहिए कि हमारे साथ आकस में लोग क्यों भाग रहे हैं, क्या कारण है, दूसरे दल में क्यों जा रहे हैं, वहाँ क्या बात है, हमारे यहाँ क्या बात है। तो इन चीज़ों पर सोचना चाहिए कि आज के तारीख में बड़े बड़े चेहरे देखा, जो मान्यवर कांशीराम जी के समय में DS4 जब बना था, जब बसपा नहीं थी, मायावती जी चुनाव लड़ रही थी जब होशियारपुर, तब हम लोग 22 लोग बनारस से गए थे वहाँ प्रचार करने के लिए होशियारपुर, तब का मैं BSP का कार्यकर्ता हूँ, DS4 था तब, 84 में पार्टी बनी, तब कांशीराम जी के साथ हम लोग थे, तब से मैं देख रहा हूँ। तो एक बड़ी रैली करने भरक लोग मायावती जी से नाराज होकर के लोग छोड़ के चले गए। क्या वजह लगती है? क्या अब वजह देखिए, अब उनका जो भी हो, अब और दलों का और उनमें कोई ना कोई अंतर खासियत है, तभी ना लोग जा रहे हैं। क्यों BSP लोग छोड़ रहे हैं? आपको लग रहा है कि मायावती लोग खुद में इसके लिए चिंता? आज के तारीख में देखिए, BSP को नोटिस में जनता नहीं ले रही है। आज के तारीख में निश्चित राष्ट्रीय पार्टी है, नेता हैं, हम उसको नकार नहीं सकते, वोट भी है, लेकिन जनता नोटिस में नहीं ले रही है। और जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, लाइन आर्डर, जो थानों पर गरीब जा रहा है तो जाति पूछ करके गाली दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, 25,000 रुपया लेकर के, 30,000 रुपया लेके तब मुकदमे लिखे जा रहे हैं, इससे प्रदेश की जनता उब गई है। किसान दिन भर काम करता है, रात को डंडा लेकर के अपनी वो फसल अगोर रहा है, योगी जी के साढ़ से पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। इससे उब करके विकल्प जनता को कोई दिखाई नहीं दिया। विकल्प के रूप में सिर्फ समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी दिखे। तो अखिलेश यादव जी के साथ प्रदेश की जनता बदलाव के लिए खड़ी हो गई है, नोटिस किसी को नहीं ले रही है। क्या लग रहा है मायावती जी को खुद में आत्मचिंतन करने की जरूरत है, समय मंथन करने की जरूरत है? ये हम उनको सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि उनके नेतृत्व में मैं रहा, जिलाध्यक्ष था, तब भी मैं उनसे लड़ता रहा, जब बिंदुओं पर जब उनके बयान आते थे कि ये होना चाहिए, तब भी मैं खुला खड़ा होकर के कहलाता कि नहीं बहन जी, ये गलत डिसीजन है। तो मैं वहाँ बोलता था तो लोग डांट के बैठा देते थे, क्योंकि भाई वहाँ बोलने की इजाज़त तो है नहीं, वहाँ खाली एक ही चीज़ है कि बस बहन जी जो कहें उसी को यस कहो, इसके बाद अगर नो कह दिया तो फिर तो गर्दन तो कटना है।